हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वाव। ये कहानी है एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की जिनकी जिंदगी में सब कुछ है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिससे इनकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि लियो कॉलिंस और लियो कॉलिंस की वाइफ पेज कॉलिंस, ये दोनों गाड़ी में होते हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और तभी पीछे से एक ट्रक आता है जो इनकी रुकी हुई गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारता है और इनकी गाड़ी स्पीड से आगे जाती है और एक खंभे से टकराती है। लियो ने सीट बेल्ट पहनी होती है, इसीलिए वो अपनी सीट पर ही रुक जाता है, लेकिन पेज ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, इसीलिए वो फ्रंट ग्लास को तोड़कर गाड़ी से बाहर गिर जाती है। इसके बाद इन दोनों को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लियो को होश होता है और उसे याद आता है कि वो किस तरह से पहली बार पेज से मिला था, और इसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। काफी दिन बीत जाने के बाद लियो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और एक दिन पेज भी होश में आ जाती है। लियो डॉक्टर के साथ पेज के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पेज कहती है कि मेरे सिर में दर्द है। डॉक्टर कहती है ये सब नॉर्मल है, क्योंकि पेज के सिर पर गहरी चोट आई होती है। और तभी पेज लियो की तरफ देखकर कहती है क्या एक्सीडेंट में किसी और को भी चोट आई है। लियो पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। पेज कहती है कि हाँ, तुम मेरे डॉक्टर हो। दरअसल इस एक्सीडेंट के बाद पेज की पिछले कुछ सालों की पूरी तरह से याददाश्त मिट चुकी होती है, इसीलिए उसे लियो जो कि उसका पति है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि लियो और पेज पिछले 4 सालों से ही एक साथ थे। लियो से बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। और तभी पेज अपने हाथ की अंगूठी को देखती है और उसे यकीन आ जाता है कि कहीं ना कहीं लियो सच कह रहा है, लेकिन उसे याद कुछ भी नहीं होता। इस बात से लियो बहुत परेशान हो जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि इस तरह के केसेस में ऐसा होना नॉर्मल है। लियो वहां से चला जाता है और अगले दिन वो एक बार फिर से पेज के पास जाता है और पेज से बातें करना शुरू करता है। हालांकि पेज को कुछ भी याद नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में और अपने बारे में जानना चाहती है। लियो उसे बताता है कि तुम्हारा एक स्टूडियो है। पेज इस बात से हैरान होती है, वो कहती है स्टूडियो, किस चीज का स्टूडियो। लियो से बताता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम मूर्तिकार हो, तुम मूर्तियां बनाती हो और तुम इस काम में बहुत अच्छी हो। वो पूछती तो मेरी लॉ डिग्री का क्या हुआ, क्या मैं एक वकील नहीं हूँ। लियो कहते कि नहीं, तुम एक आर्टिस्ट हो। पेज कहती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। दरअसल उसे कुछ याद ही नहीं होता कि वो किस तरह से आर्टिस्ट बन गई, लेकिन उसकी हाई स्कूल की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा होती हैं। यानी कि उसे याद होता है कि वो हाई स्कूल में क्या बनना चाहती थी, कैसे उसने लॉ में एडमिशन लिया और उसके माँ बाप कौन है। लियो इस सब से बहुत परेशान होकर अपने दोस्तों के पास जाता है और वो उन्हें बोलता है कि अगर उसे मैं कभी याद ही नहीं आया तो क्या होगा। उसके दोस्त बोलते हैं कि वो तुम्हें याद जरूर करेगी, हम एक फैमिली की तरह हैं। लियो अगले दिन एक बार फिर से हॉस्पिटल में जाता है और जब वो उस वार्ड में जाता है जहां पर पेज को होना चाहिए था, तो बेड खाली होता है। वो रिसेप्शन में पूछता है कि पेज कहाँ है। उसे बताया जाता है कि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और जब लियो वहां जाता है तो वो देखता है कि वहां पर पेज के मॉम डैड होते हैं जो कि काफी अमीर होते हैं। पेज अपने मॉम डैड को अच्छी तरह पहचानती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि लियो पेज के मॉम डैड से आज पहली बार मिल रहा होता है और पेज के मॉम डैड नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी हफ्तों से आईसीयू में है और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। लियो इस बात के लिए सॉरी कहता है और अब पेज के पेरेंट्स उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। लियो कहता है कि ये मेरी वाइफ है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे अपने पुराने नॉर्मल रूटीन में जाने की जरूरत है ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए। लेकिन यहाँ पर पेज भी हैरान होती है क्योंकि लियो और उसकी शादी हो चुकी है और लियो आज पहली बार उसके पेरेंट्स से मिल रहा है। पेज लियो से अकेले में बात करती है और वो कहती है कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरे पेरेंट्स को भी नहीं जानते। लियो कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती और ये मेरे मिलने से पहले था। तुम लॉ स्कूल में पढ़ती थी और तुम यहाँ सिटी में मूव होना चाहती थी ताकि तुम आर्ट स्कूल में एडमिशन ले सको, लेकिन तुम्हारे डैड ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए तुमने अपना घर छोड़ दिया। पेज कहती है कि मुझे अपना लॉ स्कूल याद है और साथ में अपना फियांसे भी जिसका नाम जेरेमी है, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। लियो उसके पीछे जाता है
और वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, हम हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन पेज को ऐसा लगता है कि इन दोनों ने शादी किसी म्यूचुअल यानी कि दोनों के फायदे के लिए की थी। इसीलिए लियो ना उसके पेरेंट्स को जानता है ना ही उसके पास कोई सबूत है जिससे लियो ये साबित कर सके कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ उनके घर जाएगी। और जब वो जाने लगती है तभी लियो भागता हुआ उसके पास आता है और वो पेज को उसका एक वॉइस नोट सुनाता है जिसमें वो लियो को आई लव यू कह रही होती है और साथ ही बहुत खुश भी होती है। और ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद पेज ये डिसाइड करती है कि वो लियो के साथ उसके घर जाएगी और याद करने की कोशिश करेगी कि जिस वक्त को वो भूल चुकी है उसका वो वक्त कैसा था। और लियो और पेज दोनों उसके घर पर आ जाते हैं जहां पर इनके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो सब इस बात से खुश होते हैं कि पेज घर वापस आ चुकी है। लेकिन पेज को किसी का भी चेहरा याद नहीं होता, उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है और इसीलिए लियो सबको वापस अपने घर भेज देता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो पेज को कुछ भी याद नहीं होता कि उसका इस घर में रूटीन क्या था, और वो ये बात लियो से पूछती है। लियो से बताता है कि तुम सुबह कॉफी बनाती हो, उसके बाद जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं उन्हें पे करती हो और उसके बाद तुम अपने स्टूडियो में अपना वक्त बिताती हो। पेज लियो से पूछती है क्या तुम काम करते हो। लियो कहता है कि मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मैं रोज सुबह वहां जाता हूँ। पेज लियो से कहती है कि तुम्हें अपना रूटीन खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और लियो भी उसकी बात मान जाता है, वो अपने काम पर जाने लगता है। और काम पर जाने से पहले यूजुअली ये दोनों एक दूसरे को किस करते थे, लेकिन अब पेज को कुछ भी याद नहीं है। ये इस घर में दो अनजान लोगों की तरह है, इसीलिए लियो को भी उसी तरह बर्ताव करना पड़ता है जिससे पेज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लियो के साउंड स्टूडियो जाने के बाद पेज घर पर अकेली होती है और वो कैफे में कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है, और जब वो वापस आ रही होती है तो वो अपना रास्ता भूल जाती है। उसका सेलफोन और लियो का नंबर दोनों ही घर पर रह जाते हैं और पेज को अपने घर का रास्ता नहीं पता। लेकिन पेज को अपनी मॉम का सेल नंबर याद होता है, वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसे रिसीव करने के लिए आती है और उसे शॉपिंग करवाती है, और जब शाम को वो घर पर आती है तो लियो वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है। लियो पेज से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। पेज उसे बताती है कि मैं रास्ता भूल गई थी, इसीलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल किया और उन्होंने हमें आज डिनर पर इनवाइट किया है। हालांकि लियो नहीं जानना चाहता क्योंकि वो उसकी फैमिली को नहीं जानता और आखिरी बार उनका बिहेवियर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन पेज को अभी ड्राइव करना मना होता और साथ ही साथ लियो पेज को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो उसके घर पर उसके साथ जाता है। वहां वो उसकी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर के बाद पेज और पेज की सिस्टर लियो एक कैफे में जाते हैं जहां पर पेज के पुराने दोस्त मिलते हैं जो उसके साथ लॉ स्कूल में थे। और यहां पर पेज का पुराना फियांसे जिसका नाम जेरेमी है वो भी पेज को मिलता है। पेज को ये नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ। वो अपने सभी पुराने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन लियो इनके बीच में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो चाहकर भी इनके बीच में फिट नहीं हो पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो पेज के लिए ऐसा करता है। अगले दिन पेज एक बार फिर से जेरेमी के ऑफिस उससे मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि मुझे आखिरी मेमोरी जो याद थी उसमें हम दोनों साथ थे, हम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों एंगेजमेंट के बाद भी हमारी शादी नहीं हो पाई। जेरेमी उसे बताता है कि यही सवाल का जवाब तो मैं सुनना चाहता था और मेरे दोस्त भी, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था, तुम लॉ कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। दरअसल पेज किसी भी कीमत पर इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहती है कि क्यों उसने लॉ कॉलेज छोड़ा और क्यों जेरेमी से एंगेजमेंट होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाई, उनका ब्रेकअप क्यों हो गया। यहाँ पर बातें करते करते पेज इमोशनल हो जाती है और वो जाने से पहले जेरेमी को किस भी करती है, और वो ऐसा किसी इंटेंशन से नहीं करती। दरअसल ये उसकी हैबिट में होता है क्योंकि आखिरी यादें उसकी जेरेमी के साथ हैं, इसीलिए वो ऐसा करती है। इसके बाद वो घर आ जाती है और अगले दिन वो लियो को कहती है कि मैं अपना स्टूडियो देखना चाहती हूँ। लियो उसे उसके स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत ही खूबसूरत स्केचेस बनाए होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव काम किया होता है, और वहां पर एक अनफिनिश्ड वर्क भी होता है जिसे वो कर रही थी। लियो कहता है कि तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए,
और जब वो उसे करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे अपने टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। वहां पर एक म्यूजिक सिस्टम भी होता है, लियो उसे ऑन कर देता है और उसका साउंड बहुत लाउड कर देता है। इस बात से उसे परेशानी होने लगती है। पेज लियो को कहती है कि इसे कम करो। लियो कहता है कि मेरा यकीन करो कि जब भी तुम ये काम करती थी तुम इससे भी लाउड म्यूजिक सुनती थी। इस बात से पेज को गुस्सा आ जाता है और वो लियो पर चिल्लाती है। लियो को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बस मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं और हम कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे। और लियो उदास होकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब लियो ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि वहां पर पेज की डैड भी होते हैं। दरअसल पेज अपने घर वापस जा रही है क्योंकि उसकी बहन की इंगेजमेंट है और वो इंगेजमेंट की तैयारी में अपनी बहन की हेल्प करना चाहती है। हालांकि लियो नहीं चाहता कि पेज जाए, लेकिन पेज को अगर इस वक्त कुछ याद है तो सिर्फ अपनी फैमिली। और पेज के वहां से जाने से पहले लियो पेज को कहता है, क्या मैं तुम्हें एक ऑकवर्ड हग कर सकता हूँ? और ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। लियो कहता है कि अपना ध्यान रखना। और इसके बाद पेज अपने मॉम डैड के घर चली जाती है और लियो यहाँ पर अकेला रह जाता है। लियो का पेज के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसका कोई भाई बहन नहीं है, उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ पेज है जिसे लियो के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब लियो पेज के घर उसकी बहन की इंगेजमेंट की पार्टी में जाता है और वहां वो पेज से मिलता है। पेज से वो कहता है कि तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद नहीं है, तुम्हें ये भी याद नहीं कि हम दोनों को प्यार कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ मेरा हर पल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था और मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से डेट पर जाना चाहता हूँ जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हूँ। हालांकि पेज को इस बात पर थोड़ी सी दुविधा होती है, लेकिन फाइनली वो मान जाती है और ये दोनों डेट पर जाते हैं। लियो पेज को उस पार्किंग वाली जगह पर भी ले जाता है जहां पर ये पहली बार मिले थे। इसके बाद ये उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर ये खाना खाया करते थे। वहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। और इसके बाद ये उस झील में जाते हैं जहां पर ये रात को कभी कभी झील में स्विम करने जाते थे। पेज कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे? लियो कहता है हम ऐसा करते थे। और इसके बाद ये दोनों उस झील में नहाते भी हैं। हालांकि रात का वक्त होता है, पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन पेज को ऐसा करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद ये दोनों लियो के घर पर आ जाते हैं और अब पेज लियो की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और इसके बाद लियो एक बार फिर से पेज को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और जाने से पहले पेज से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, जो जिंदगी हम दोनों ने साथ जी उसे मैं बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारे साथ को मिस करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार भी करता हूँ। लेकिन पेज उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वो घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद पेज को बहुत रोना भी आता है क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिस तरह से लियो पेज को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतना बदल चुकी है, क्योंकि जिस वक्त वो लियो के साथ थी उस वक्त वो वेजिटेरियन थी और साथ ही साथ उसने अपने बैक पर टैटू भी बनवाया। और इस दुनिया में यानी कि अपनी फैमिली के साथ वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन थी। टैटू उसके घर में कभी अलाउड ही नहीं था और लियो के साथ उसने वो सारे काम किए थे जो उसे खुद को भी कभी पसंद नहीं थे। इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और इससे पहले उसकी जिंदगी में क्या हुआ था कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने अपनी लॉ छोड़ दी और वो एक आर्टिस्ट बन गई। अब पेज की सिस्टर की वेडिंग का दिन आता है, वहां पर लियो भी आता है और लियो के पास पेज के डैड आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें पता है कि पेज का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था और तुम अब कर्जे में हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें पेज के साथ डाइवोर्स लेना होगा। दरअसल वो डाइवोर्स के पेपर पहले तैयार कर चुके होते हैं और पेज भी अब ऐसा करना चाहती है क्योंकि उसे लियो के साथ बिताई हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पर लियो ऐसा नहीं करना चाहता। वो पेज के डैड को बोलता है कि आप एक फैमिली मैन नहीं है, अगर आप एक फैमिली मैन होते तो इतने सालों में जब पेज मेरे साथ थी तो कम से कम आपको एक बार पेज को अपने साथ लेने के लिए आना चाहिए था। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो दूसरी जगह बैठ जाता है और तभी उसके सामने जेरेमी आता है। जेरेमी वो है जिसकी पेज से शादी करने की उसकी फैमिली प्लानिंग कर रही है और पेज का पहले ये फियांसे भी था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन इस वक्त पेज को कुछ भी याद नहीं है कि जेरेमी से उसका ब्रेकअप क्यों हुआ और अब वो उसके लिए वैसे ही फील करती है जैसे वो उसके लिए पहले फील करती थी। यहाँ पे जेरेमी लियो से बात करता है और जब वो पेज के बारे में कुछ गलत बोलता है तो लियो उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है।
पेज ये देखकर वहां से नाराज होकर चली जाती है। लियो उसके पीछे जाता है और पेज से कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी बचा है मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन सब यहाँ पर ये चाहते हैं कि तुम्हारी जेरेमी के साथ शादी कर दी जाए। पेज कहते कि ये सही नहीं है। लियो कहता है कि हाँ ये सही नहीं है, मैं देखता हूँ जिस तरह से तुम जेरेमी को देखती हो, क्योंकि कभी तुम मुझे भी इसी तरीके से देखा करती थी। सब मेरी गलती है, मुझे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, और सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ। यहाँ पर पेज की कोई गलती नहीं होती, दरअसल उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो लियो से कहती कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करते करते थक चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे माफ कर दो। पेज की आंखों में आंसू होते हैं और लियो वहां से जाने लगता है। तभी पेज उसे पीछे से कहती है कि काश मैं कभी तुमसे उतना प्यार कर पाती जितना तुम मुझसे करते हो। लियो कहता है कि तुमने एक बार मुझसे किया था और तुम दोबारा भी करोगी, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों बाद लियो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। हालांकि ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है और लियो और पेज अब पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पेज अपनी पुरानी जिंदगी में पूरी तरह से लौट चुकी है। उसने लॉ कॉलेज एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है, और एक बार जब वो अपनी बहन के साथ स्टोर में होती है तो वहां पर पेज की एक पुरानी फ्रेंड जो पहले उसके साथ लॉ स्कूल में थी उसके सामने आती है। उसे नहीं पता होता कि पेज अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा पूरी तरह से भूल चुकी है, और वो पेज से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया क्योंकि मेरा तुम्हारे डैड के साथ अफेयर था। दरअसल एक यही रीजन था कि पेज ने अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, और ये बात पेज की बहन को, उसकी मॉम को, सबको पता थी, लेकिन उन्होंने ये बात उसे नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से पेज उन्हें छोड़कर चली जाए। इसके बाद पेज लियो के पास जाती है। वो कहती है क्या तुम्हें मेरे डैड के अफेयर के बारे में पता था? लियो कहता है कि हाँ मुझे पता था। पेज उससे पूछती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लियो कहता है कि मैं कई बार तुम्हें बताने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहता था। हालांकि शायद ऐसा करने से मैं तुम्हारा प्यार वापस पा लेता, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार ऐसे नहीं पाना चाहता था, बल्कि उस तरीके से पाना चाहता था जिस तरह से मैंने पहले पाया था। इसके बाद वहां से पेज चली जाती है, और साथ ही साथ वो लॉ कॉलेज भी छोड़ देती है, और वो स्कल्पटिंग और ड्राइंग का कोर्स दोबारा से ज्वाइन कर लेती है जिस तरह से उसने पहले किया था। यहाँ पर जेरेमी उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है, लेकिन पेज उसे कहती है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहती हूँ। हालांकि पेज को अपने डैड के अफेयर के बारे में पता चल चुका है जो उसी की फ्रेंड के साथ था, लेकिन पेज इस बार घर नहीं छोड़ती, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, और वो अपने डैड को इस चीज के लिए माफ भी कर देती है। अब कई महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से पेज आर्टिस्ट बन चुकी है जैसे कि वो पहले थी, और एक बार जब वो अपना सामान देख रही होती है तभी उसे अपने सामान में एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड मिलता है जहां पर वो और लियो जाया करते थे, और इस मेन्यू कार्ड में उनकी शादी का वॉव यानी कि शपथ लिखी होती है जिसमें एक दूसरे के लिए जिंदगी भर प्यार, एक दूसरे का साथ और एक सुनहरे घर के बारे में लिखा होता है। इसको देखने के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां का ये मेन्यू कार्ड होता है, और लियो आज भी रेगुलर उस रेस्टोरेंट में जाता है। वो रेस्टोरेंट के बाहर उसे मिलती है और लियो को थैंक यू कहती है। लियो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती है कि तुमने सब कुछ किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया जैसे मैं थी, तुमने कभी मुझे वो नहीं बनाना चाहा जो मैं नहीं बनना चाहती थी। लियो कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। लियो की और पेज की दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। हालांकि पेज को अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी का कोई भी पल याद नहीं आता, लेकिन वो जानती है कि लियो ने उसकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई है, और कहीं ना कहीं अब उसके दिल में भी लियो के लिए प्यार है। पेज लियो से कहती है क्या हम मिमोनिक कैफे जा सकते हैं? ये वही कैफे होता है जहां पर ये पहली बार मिलने के बाद गए थे। लियो कहता है क्यों ना हम किसी नई जगह जाएं जहां हम पहले कभी भी ना गए हों, और ये दोनों उस कैफे ना जाकर एक नई जगह डिस्कवर करने के लिए चल देते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भुला दिया है जो कि पेज को कभी भी याद आने वाली नहीं है, और अब ये अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार है तो हमें हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, ना कि स्वार्थी होकर जीना चाहिए। जिस तरह से लियो अगर चाहता तो वो पेज को उसके डैड के बारे में बताकर सिचुएशन को उसी तरह से अपने फेवर में कर सकता था, लेकिन वो पेज से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ
साथ रहे और अगर उसे उसका प्यार मिले तो ठीक उसी तरह से जैसे पहले उसे मिला था, ना कि पेज के दिल में उसके परिवार के लिए नफरत डालकर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपके साथ भी नियति कुदरत ऐसा ही करती है। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस मूवी का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $197 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।